जाके डर जाएंगे नीचे देख के कि कहाँ आ गया मैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे को खाई दी। मैंने पहले बताया था ना कि शूटिंग्स काफ़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है शूटिंग के लिए और इजी टू रीच है, कोई दिक्कत भी नहीं है दिल्ली से, क्योंकि यहाँ पे छोटे से रोड यहाँ से भी जा रहे हैं। पहाड़ों में यार मैगी ना खाए तो कोई नहीं सकता। अभी ऊपर क्या कि काली माता का मंदिर है और आपको करीब 150 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तो एनर्जी ऑब्वियसली डाउन है, सुबह से चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट स्पॉट है कुफरी का। और अभी इस समय मैं आ चुका हूँ झाकू टेंपल जो है शिमला में, और शिमला में जहाँ पर मैं रुका हुआ था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पेशली कुफरी वाले रास्ते पर, वहाँ पर झाकू टेंपल है। ठीक मेरे पीछे ये मंदिर है और इस मंदिर की जो कहानी है आपको रामायण के की कहानी में ले जाएगी कि कैसे किस समय जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो उस समय लक्ष्मण को जब तीर लगा था मेघनाथ का, तो उस समय संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया था हनुमान जी को। अभी खूबसूरत वादियों में मैं इस समय हूँ झाकू टेंपल। इधर देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा, पूरी तरह से पेड़ ही पेड़। इधर आप देखेंगे ये रास्ता जा रहा है मेन मंदिर की तरफ, जहाँ पर हनुमान जी की जो है बहुत बड़ी प्रतिमा है, वो नीचे शिमला में भी आपको दिख जाती है वहीं से। मैंने जैसे बताया कि भगवान राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था रामायण में, और लक्ष्मण को संजीवनी बूटी चाहिए थी, तो उस समय हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, तो एक पर्वत है जहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उन ऋषि से उन्होंने भेंट की, उसके बाद उन्होंने एक कालनेमी राक्षस को मारा, उनको मारने के बाद उनको संजीवनी प्राप्त हुई। अब संजीवनी जब उनको प्राप्त हुई तो जो वापस उनको मिलना था उन्हीं ऋषि से, और वो ऋषि से मिल नहीं पाए तो ऋषि थोड़े से क्रोधित हो गए, तो उसके बाद हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए ऋषि को, जहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए ये वही जगह है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। एस्केलेटर वाला रूट भी है लेकिन बंद है, और थोड़ा नज़ारा देखिए यहाँ से भी लोग आ रहे हैं कुछ, ये भी एक रास्ता जा रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, बड़ी वाली मूर्ति दिखाते हैं। मैं इस हाइट को देख के बड़ा मतलब आश्चर्य कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ ना बहुत कम मिलेंगी आपको भारत में, कुछ कुछ जगहों पर भी है। मैंने शायद महेंद्र बालाजी में भी एक मूर्ति देखी थी, तो करीब बताते हैं कि 108 मीटर की इसकी हाइट है, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं उनके हाथों हुआ था। सबसे अच्छी बात देखिए इस पूरे, मैं दिखाता हूँ आपको पूरी जो ये एक मूर्ति बनाई हुई है लंबी, यहाँ पर देखें चारों तरफ किस तरह से बड़े बड़े पेड़ हैं, और उसके बाद ये बनाया कि पूरा पर्वत हुआ करता था जिसके ऊपर कहते हैं कि हनुमान जी ने दर्शन दिए थे उन ऋषि को जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे वो, और उसके बाद यहाँ पर ये मूर्ति बाद में बनी है, पहले सिर्फ एक मंदिर हुआ करता था, और इतनी खूबसूरती से बनाया है। We'll be right back.
साल ही हुआ बस, कैसी बर्बादी कभी नहीं हुई है, पर बारिश भी नहीं हुई इतनी जैसे ब्लॉक में बहुत बारिश में हुआ था ना शिमला में। हाँ जी, पिछले साल अगस्त के टाइम पहले तो चल बारिश भी बहुत होती थी, मतलब हफ्ते एक एक हफ्ते लगातार बारिश देखी है, तब भी इतना नुकसान नहीं होता रहा। पर अब ऐसा ना सर, लोगों ने बिल्डिंग ही हर चीज़ बना दी है, बनते ही जा रहे हैं। अभी पहाड़ का सब तक एक हिसाब है उसका, इतना ही वजन जैसे गाड़ी है इतना ही वजन उठा पाएगी, 8 भर लेंगे आप 10 भर लो जबरदस्ती, जहाँ 15-20 भरेंगे तो गाड़ी तो ऐसे ही बैठ जाएगी खड़ी खड़ी। अरे यहाँ देखो आप जैसे रख के की डबियाँ स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, बनते आप टॉप फ्लोर पर जाके डर जाएंगे नीचे देख के कहाँ आ गया मैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे को खाई दी। यहाँ लोगों को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिम पेट बड़ा कम मिलेगा लोगों का बाहर, ऐसा नहीं मिलेगा बहुत निकली यहाँ जिम की जरूरत ही नहीं है तो। हाँ ये पेड़ है एवरग्रीन होता है, ये 12 महीने आपको ग्रीन दिखेगा, कभी खाली नहीं दिखेगा। ये होता है ना कि पेड़ में पतझड़ आता है, बाकी सिर्फ ये पेड़ कैसा है इसे पतझड़ भी आता है, पर आपको पता नहीं लगेगा कब दूसरे भी हो गए, साथ साथ में चलता है प्रोसीजर, पर आपको पता नहीं लगेगा कब ये पतझड़ आ रहा है, कब गिरा कब नया आ गया। और ये जंगल में करोड़ पेड़ है तो सारे के सारे सीधे ही होंगे, टेढ़ा एक पेड़ नहीं मिलेगा आपको। मूवीज में यहाँ देखे हैं पेड़ हॉरर मूवी के अंदर। और ये बर्फ का मेन कारण यही वाले पेड़ है, जितने ट्री दिख रहे हैं आप ये सारे पेड़ है बर्फ का, इन्हीं की वजह से आती है। 100 फुट हाइट जाती है इनकी, 100 साल तक इनकी उम्र है, इसमें दीमक नहीं लगती लकड़ी में। और यहाँ पे इसके लिए इतना है कि मतलब कि बड़ा स्ट्रिक्ट है इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें देख लो किसी उसमें आपको ऐसे पेड़ों में बोर्ड टंगे हुए मिलते हैं ना, इसमें एक भी पेड़ में बोर्ड टंगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसमें कील ठोकने का भी चलाना है, इसकी डाली काटना कुछ भी चला है, इसमें कोई आदमी टच नहीं करते फालतू का, किसे बाहर आना बड़ा टफ है। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट जंगल है ये, ऊपर तो उतरेगा। कौन सी गदर फिल्म का एक सीन वहाँ शूट हुआ है, पुरानी गदर थी वो, पापरे का पिल्ला घर जल्लू जैसा घर दिखता है यहाँ से, जिसमें सनी देओल छुपता है उस पॉइंट पे, वो पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना कि शूटिंग्स काफ़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है शूटिंग के लिए और इजी टू रीच है, कोई दिक्कत भी नहीं है दिल्ली से, क्योंकि यहाँ पे छोटे से रोड यहाँ पे भी जा रहे हैं। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि स्नोफॉल जब होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऑप्शन भी है, ये ट्राई करते हैं यहाँ से आप और अच्छे से देख पाएंगे। ये फोकस ना यहाँ से एडजस्ट कर लेना स्टेप से ना, ओके ये फोकस है। हां, इन साथ भाग के बुढ़िया घर में छुपते हैं ना, लो अभी ये जंगल का जो सीन था ना जहाँ पे सनी देओल छुपता है, पाकिस्तान बनाया जाता है उसे, वो ये दिख रहा है। यहाँ पकड़ लो, यहाँ से ये बैलेंस कर लो, टोटली देवदार पाइन वुड, इससे आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आएगा देखो, फॉरेस्ट बिल्कुल। दैट्स व्हाई एशिया भैया ने हमें बताया शेरे पंजाब करके एक अच्छा रेस्टोरेंट है, कुफरी से आई थिंक मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर दूर है वैसे। हाँ जी, ट्राई करते हैं। गाड़ियाँ ही रहेगी, यहाँ ऊपर जाके हॉर्स मिलते हैं, इसमें जो पॉइंट्स है करें यहाँ के कुफरी के जो फेमस पॉइंट है घूमने वाले, जैसे महासू पीक है सर, शिमला की हाईएस्ट पीक है सर, इसकी हाइट 11,500 फीट हाइट है, टॉप पीक पे जाओगे 360 व्यू रहेगा सर।
उसके बाद है नाग टेम्पल, वहाँ पे यहाँ की फुल स्ट्रीट पर है सर हमारी, वहाँ नाग टेम्पल आप विजिट कर सकते हैं। फिर आपका टॉपेस्ट विलेज, एप्पल गार्डन, टेलीस्कोप पॉइंट, स्टेफ फार्मिंग, एडवेंचर राइन, नेक्स्ट हम आपको देशु पीक लेके जाएंगे जहाँ पे फागू वैली, रेली, काली माता मंदिर, शूटिंग प्लेस एंड जंगल ऑफ रोड राइड हम आपको करवाएंगे सर जिप्सी के थ्रू। इस तरह की हमारी ओपन जिप्सी आ जाएगी। बेसिकली ना 1,500 रुपये चार्जेस है पर पर्सन साइट सीनिंग के लिए। कुफरी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये जिप्सी जाती है, वैसे हॉर्स भी जाते हैं, दे टेक 500 रुपीज़, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ही 500 रुपये देने होते हैं। तो चलते हैं जिप्सी से कुफरी। अच्छा शेर देखें जिप्सी में। ये जो रास्ता है मैं थोड़ा सा तैयार हो चुका हूँ, सामने देख रहे हैं कुफरी फन वर्ल्ड, ये पूरा एकदम ऑफ रोड है और इसको थोड़ा टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा। तो हम जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ से हमारी साइट सीन शुरू हो गया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कितना टेम्परेचर और कम होगा और ज़्यादा हाइट बढ़ेगी। लेट्स गो। और अभी कुफरी के बिल्कुल टॉप पे हैं हम, ये फर्स्ट पीक है, इससे ऊपर भी जाना है। मेरे पीछे आप देखेंगे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक एप्पल गार्डन भी है, एक पूरा प्रॉपर फन वर्ल्ड भी है। 100 रुपीज़ का टिकट हमारा भी लगा, क्योंकि 50 रुपीज़ का पर पर्सन चार्ज है जो कि फॉरेस्ट वाली फीस होती है ये। और यहाँ पर आप थोड़ा सा और क्लोजली व्यू देख सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ है ये, और ये पूरा जो रूट जा रहा है ये यहाँ की तरफ जा रहा है, और ये सारा पैक है। यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा यदि आपको फोटोज क्लिक करानी है, ये स्पेशली ना आपको पहाड़ी इलाकों में ही दिखते हैं। अभी हम फिलहाल थोड़ा नीचे से चल के अभी आए हैं, ये है टेलीस्कोप पॉइंट, हाइस्ट पॉइंट, और मिलता है आपको हिमालयन पैराडाइज व्यू, क्योंकि चारों तरफ ना आपको पहाड़ मिलेंगे। बाकी तो टूरिज्म ऐसा है हो गया है ना कि इतनी स्टॉल्स हैं, जो मर्जी है जो खाइए आपको, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फ्रूट्स, एवरीथिंग। ये देखिए चना मसाला मूंगफली बेच रहे हैं। तो ये था टेलीस्कोप पॉइंट, जहाँ से आप टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी वहाँ पर वैली देखी थी। नॉर्मली आपको पहाड़ वगैरह दिखेंगे तो आप वो कर सकते हैं, उसका भी एक चार्ज है। और पूरा का पूरा एरिया आई गेस, यहाँ पे एक टेंपल भी है, शायद वो माता का टेंपल है, वहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, तो मतलब पूरा जो एरिया है ना वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आफ्टरऑल यू हैव चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। यूजली लोग ना यहाँ पर शूट वगैरह करवाते हैं, फ़ोटो वगैरह, कपल्स फ्रेंडली। और आप यहाँ पर ना इसको क्या बोलते हैं, याट बोलते हैं ना इसको, याक। फिलहाल मैं याक पे हूँ, और यहाँ पे आप 50 रुपीज़ में याक पे बैठ सकते हैं, फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। एंड ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में मिलता है, राइट? तिब्बत, यस, तिब्बत का जानवर, तिब्बत का है। तो ये खाना पीना का क्या है, कैसा क्या खाता है? घास और चना खाता है, जो घोड़ा खाता है। अच्छा अच्छा, ये होता है फोटो के लिए, फोटो बनता है। ओके ओके, राइडिंग भी करवाते हैं ये। चलो ठीक है, और अभी फिलहाल मैं आया हूँ कुफरी फन वर्ल्ड में। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक एप्पल गार्डन भी है, जो टिकट आपको स्टार्टिंग में मिलता है उसी टिकट को दिखाना होता है, पूरा बना हुआ है। यहाँ पे एप्पल गार्डन भी है, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये कार रेसिंग के लिए है। वैसे एक्टिविटीज़ आपको दिल्ली नोएडा में काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, बट आप आए हैं तो ये एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मैं इनमें से कुछ नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है बार बार, हल्की सी धूप बढ़ी है अभी। और देखते हैं जिप लाइन हो रही है यहाँ पर, अभी आपको दिखाता हूँ, आइए देखिए जिप लाइन भी हो रही है डबल, ये सीन है। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी है, आप साइकिल भी चला सकते हैं वहाँ तक।
पूरे एरिया में ना काफ़ी सारे जोन बने हुए थे कि यहाँ पे कार रेसिंग हो रही है, और लाइन वाला एरिया है ना वो है वहाँ पे। आप चलते जाओ ना, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, देखो ये छोटे छोटे से गार्डन से बना रखे हैं, ऊपर भी झूले वगैरह हैं और काफ़ी कुछ है। ये है काबू फॉर्म, वहाँ पे एक और फॉर्म था जो हमने कवर किया था। ये अब वैली की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पे अभी काली माता का मंदिर है। आज थोड़ा सा ना एरिया में फॉग है, इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत है कि वो वैसा वाला अल्टीमेट व्यू नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से उतना व्यू दिख नहीं रहा है फॉग की वजह से, बट वैली की तरफ हम जा रहे हैं। इट वुड बी अमेजिंग, पूरा देख कितना अच्छा व्यू आता अगर फॉग नहीं होता तो। पूरा जो फार्म है ना, यहाँ पे आलू की खेती होती है, देखिए किस तरह से खेती करते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कटिंग चल रही है, और ये जो छोटे छोटे बना रखे हैं ना, ये बेसिकली फार्म है जहाँ पे यू नो जो आलू आते हैं यहाँ से रिसर्च होते हैं, फिर ये आलू यहाँ से जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये पूरा पूरा सेटअप है, और ये यहाँ पे भी बनाए हुए हैं। तो आलू की खेती के लिए देखिए किस तरह से खेती होती है पहाड़ों में, और यहाँ पर छोटे छोटे ऑप्शन हैं जो शायद रहने के लिए है। बाकी तो थोड़ा फॉग नहीं होता तो आज क्लासिक व्यू दिखाता मैं। ओके, पहाड़ों में यार मैगी ना खाए तो भी नहीं सकता। अभी ऊपर क्या है, काली माता का मंदिर है, और आपको करीब 150 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तो एनर्जी ऑब्वियसली डाउन है। सुबह से चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और ये हमारा लास्ट स्पॉट है कुफरी का। कुफरी से आगे वैसे फागू पे हम, तो अभी हम मैगी ट्राई करेंगे यहाँ पर। मैगी खा के थोड़ी सी एनर्जी आएगी, एंड उसके बाद हम जाएंगे। अब देखो कितने घने जो पेड़ हैं देवदार के, बहुत ही खूबसूरत, वहाँ पर बैठ के अभी करें। ये देखिए पूरा नीचे तक। कैसी मैगी कुसुम? मैगी बढ़िया है, पहाड़ों के हिसाब से बढ़िया है। मेरे पीछे आप देख रहे हो, इस तरह के व्यू के साथ तो दिस इज द बेस्ट। ससुराल साइड जाना होना बाहर, दिल नहीं करता कई कई दिन गर्मियों के दिनों में जाने को। और ये फाइनली मेरी शुरुआत हो चुकी है, 150 सीढ़ियाँ चढ़नी है, और ऊपर माँ काली माता का मंदिर है, तो ये ऑप्शन आप मिस नहीं कर सकते। ऊपर से इतना अच्छा व्यू आप देखिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ चल रही हैं और पास में देवदार के बड़े बड़े पेड़, बहुत ही खूबसूरत। और पता लगेगा भी नहीं, मैं ऑलरेडी अभी 15 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ विद इन अ मिनट। तो करीब 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ टॉप पे, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है काली माता का मंदिर। और फागू का ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। इसका ख़ास बात ये भी है कि आप यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। ये देखिए, आज थोड़ा सा फॉग इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन पूरे पहाड़ दिखते हैं, और स्नोफॉल जब होता है तो पूरा सफ़ेद हो जाता है। और ये है वो मंदिर, चुनरी भी बांधी गई है यहाँ पे, और ऊंचाई पे जब कोई मंदिर होता है तो उसका नज़ारा देख के बनता है। अरे वहाँ तक तो जा सीढ़ियों पे, माँ काली का मंदिर। अभी पट थोड़े ना, पट बंद हो रखे हैं इसलिए अंदर दर्शन नहीं कर सकते, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं।